मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूँ इंडिया के मसालों के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। चर्चा ये है कि हम मसाले, हिंदुस्तान के मसाले पूरे वर्ल्ड फेमस हैं। कोरोना के टाइम में पूरा वर्ल्ड मान चुका है कि हिंदुस्तान के मसाले में जान है। और वो जान क्यों है? क्योंकि हम हमारे आयुर्वेद के अनुसार मसालों की महिमा बताई गई है, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, हमारी बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। जितने भी काढ़े हैं वो मसालों के दम पे ही बनते हैं, और आयुर्वेद की ज्यादातर दवाइयां जो मसालों वाले हमारे पौधे होते हैं उन्हीं से तैयार की जाती हैं। अब बात करें स्वाद की, तो मसाले हम सब्जियों में, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, बिना मसालों की सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती, महंगे महंगे मसाले डालते हैं और उससे अपनी सब्जियों का, अपनी रसोई का स्वाद बढ़ाते हैं। अब मसालों की कोई गारंटी तो है नहीं कि वो सारे शुद्ध ही होंगे। महंगे से महंगे मसाला भी ले लें, उसके भी डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर ये चीज मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, हर चीज का डुप्लीकेट मार्केट में आजकल अवेलेबल है। तो जो डुप्लीकेट होगा, जो चीज 50 रुपए की मिली है वही चीज 15 रुपए में मिल रही है, तो इसका मतलब ओरिजिनल तो है नहीं। उस डुप्लीकेसी से बचने के लिए एक ऐसा पौधा मैं आपके पास लेके आया हूँ जिसको मसालों का बाप माना जा सकता है, हमारी रसोई का स्वाद बढ़ा देगा। अकेला पौधा, अकेला ही मसाले का पौधा, सभी पौधों को, सब मसालों का स्वाद उसमें आ जाता है। अगर इसके हम 2 पत्ते या 4 पत्ते, क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है भाई कितनी सब्जी है। अगर 2 बंदों की सब्जी है तो 2 पत्ते भी बहुत हैं। अगर दो से ज्यादा बंदों की सब्जी है तो 4 पत्ते डाल लो, उससे ज्यादा तो उससे ज्यादा पत्ते डाल लो। इसके पत्ते डाल के सभी मसालों का स्वाद इसमें आ जाता है और फायदा भी इसका पूरा पूरा मिलता है। तो ऐसे मसाले का पौधा आपके पास जमीन है या नहीं है? ये मेरे पास पौधा है और ये देखिए इतना से गमले में भी ये हो जाता है। आपके पास, आप पीजी में रह रहे हैं, किराए के मकान पे रह रहे हैं, जमीन आपके पास नहीं, आप गमले में लगा के इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर जमीन है, जमीन में लगाओ तो बहुत अच्छी तरह से ये चलता रहेगा, कोई खास देखभाल नहीं मांगता। हमारे हिंदुस्तान के वातावरण में होने वाला यह मसाले का पेड़ है, जिसको के पूरे नॉर्थ में, साउथ में कहीं भी लगाया जा सकता है, जहां पे बर्फ गिरती है सिर्फ वहां नहीं लग सकता। तो इस मसाले को पेड़ के आप जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। देखिए छोटे सी इतनी सी इसकी पेंद है, इसी पेंद के अंदर कितना हरा भरा खड़ा है। अगर इस गमले में लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये चलेगा और इसके पत्ते तोड़ के हम सब्जियों में डाल सकते हैं। कोई भी सब्जी है, किसी भी सब्जी में डालना हो तो आप डालिए, सभी मसालों का स्वाद इसमें अकेले पत्ते में आएगा, अकेले पेड़ के पत्तों में सभी मसालों का स्वाद आएगा। दूसरी खास बात यह है कि आप नीचे से पत्ते तोड़ रहे हैं, ऊपर नए पत्ते आते चले जाएंगे। अगर ज्यादा ही लंबी डंडी नंगी हो गई तो फुंगड़ तोड़ दिए नीचे से, जगह जगह से फटाव ले जाएगा। इस तरह से एक बार पौधा लगाने के बाद कभी पौधे पे पत्ते नहीं खत्म होंगे और ये पूरा साल चलने वाला पौधा है। तो इस तरह से आप अपने गमलों में, जमीन में पौधा लगा सकते हैं। इस पौधे का नाम है आल स्पाइस, यानी कि सभी तरह के मसालों का स्वाद इस अकेले पौधे में आता है। तो कोई भी भाई इसको लवली नर्सरी से, करनाल में लवली नर्सरी है जीटी रोड पे, वहां से आके ले सकते हैं और अपने घर पे लगाएं, गमलों में लगाएं और महंगे मसालों से छुटकारा पाएं, डुप्लीकेसी से बचें, और क्योंकि मिलावट के मसाले बहुत ज्यादा मिलते हैं उससे बचें, और महंगी परचेजिंग से बचें। अभी गमले का मैंने तरीका बताया, अभी जमीन का तरीका बताऊंगा, कैसे खड्डा खोदना, कैसे पेड़ लगाना, वो भी तरीका आपको मैं दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सबसे पहले हमें जमीन में इस तरह से खड्डा खोदना है। खड्डा खोद के इसकी थैली फाड़ेंगे, आराम से लगाएंगे, और ध्यान रहे कि शाम के टाइम इस पौधे को लगाया जाए ताकि ये मुरझाए ना। और लगाने के बाद बेसक से हमारी मिट्टी गिल्ली भी है तब भी एक बार इसमें पानी हमें देना है। इस तरह से इसको पॉलीथीन को आहिस्ता से पाड़ना है, गाची इसकी ना टूटने पाए इस बात का ध्यान पूरा पूरा रखना है, और लगाने के बाद इसमें एक बार पानी देना है। दोबारा पानी तभी देना है जब ऊपर से मिट्टी सफेद होने लग जाए। ज्यादा गहरा भी नहीं लगाना है और ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। इस तरह से लगाएं, हाथों से साइड की मिट्टी की ठुकाई करके इसमें पानी दे दें। ये सही तरीका पौधे का लगाने का है, और दोबारा पानी तभी देना जब मिट्टी थोड़ी सफेद होने लग जाए, बार बार पानी नहीं देना। गमले में भी लगाने का यही तरीका है, और खाद हमने पहले ही क्यारी में डाली हुई है पूरी तरह से, इसलिए खाद डालने की हमें आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से लगा के इसमें पानी दे दीजिए, पूरी तरह से ये पौधा ठीक ठाक चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।